नमस्कार, वेलकम बैक माय चैनल। मैं आज बनाने जा रही हूँ पारंपरिक स्टाइल में अंडा करी, बेहद ही थिक और गाढ़ी ग्रेवी के साथ। ये बेहद ही माउथ वाटरिंग डिश है, तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें अपने अंडे को बॉईल कर लेना है, उसके बाद हम अंडे में नाइफ से कट लगाएंगे। यदि आपके पास टूथपिक हो तो टूथपिक से भी होल कर सकते हैं। नाइफ से कट थोड़े के बड़े लगाएंगे, जिससे क्या होगा जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो ग्रेवी का फ्लेवर जो अंडे में अच्छे से समा जाएगा। और फिर कट लगाने से क्या होता है, जब हम अंडे को तेल में फ्राई करेंगे तो अंडे के जो तेल के छींटे हैं वो हम पर नहीं पड़ेंगे और अंडा उड़ेगा भी नहीं। तो यहाँ पर हमने सारे अंडों में कट लगा दिया है। तो मैंने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें से 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच धनिया पाउडर है। तो अब हम अंडे में कुछ मसाले को मिक्स करेंगे। तो सारे मसाले को हमें नहीं मिलाना है, सिर्फ हमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर को मिला देना है। और फिर उसके बाद हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और सारे अंडे को हम मसाले में अच्छे से कोट कर लेंगे। तो मसाले में कोट करने से क्या होता है, अंडे का कलर भी बहुत अच्छा आता है और अंडा खाने में भी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर हमने सारे अंडे को अच्छे से कोट कर लिया था, तो इसे हम 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैं मोटे तले की कढ़ाई का यूज कर रही हूँ। जब भी आप कोई भी नॉनवेज आइटम बनाए तो कोशिश करें कढ़ाई की जो तली है वो मोटी पेंदी की हो। फिर उसके बाद हमें तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है, नहीं तो क्या होगा जब हम अंडे को तेल में फ्राई करेंगे तो अंडा हमारा नीचे चिपकने लगेगा। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हमें इसमें अंडे डालने हैं। तो यहाँ पर तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था, तो अब हमने इसमें सारे अंडे को डाल दिए हैं और अंडे को हमें अच्छे से चारों ओर से लाल कर लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है तेल में। तो यहाँ पर ये जो हमारे अंडे हैं वो अच्छे से लाल हो चुके हैं, तो अब हम इन सारे अंडे को एक एक करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सारे अंडे को निकाल दिया है और बाकी बचे हुए अंडे को भी हम तेल में डाल करके फटाफट फ्राई कर लेंगे। तो ये अंडे भी हमारे तल करके रेडी है, तो हम सारे अंडे को अलग से प्लेट में निकाल करके रख देंगे। तो यहाँ पर हमने सारे अंडे को अलग से प्लेट में निकाल के रख दिया है। तो अब हम इसकी ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर मैं वही सेम कढ़ाई में उसी तेल का यूज कर रही हूँ। यदि आप चाहें तो अलग से भी आप तेल अब डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम 1 चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे और उसके बाद कुछ सूखे गरम मसाले हमें मिलाने हैं, जिसमें से तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 बड़ी दालचीनी का टुकड़ा और 3-4 लौंग और 4-5 काली मिर्च हमें तेल में डाल देना है और इसे हमें हल्का हल्का सा जला देना है। फिर उसके बाद हम हरी मिर्च को डाल देंगे। मैं यहाँ पर 3 बड़े साइज के प्याज को बारीक काट करके डाल रही हूँ। तो प्याज जो है वो गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी नमक डाल देंगे जिससे प्याज हमारा जल्दी से गल जाए। प्याज को गलाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो प्याज को हमें बीच बीच में लगातार चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा प्याज जो है नीचे से सटने लगेगा और ऊपर से कच्चा ही रह जाएगा। तो प्याज को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं प्याज के पेस्ट का यूज नहीं कर रही हूँ। प्याज का पेस्ट डालने से कैसा होता है कि नॉनवेज आइटम में थोड़ा सा मीठापन जैसा टेस्ट आता है प्याज का पेस्ट डालने से, और प्याज का पेस्ट है वो कढ़ाई में चिपकने भी लगता है। तो ये जो हमारा प्याज है वो हल्का हल्का लाल होना स्टार्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा गल भी गया है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट को डाल देंगे और इसे हम प्याज के साथ हल्का मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक काट करके हमें प्याज में मिला देना है। तो मैंने यहाँ पर प्याज और टमाटर का पेस्ट का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। फिर उसके बाद टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे, जिससे टमाटर हमारा फटाफट गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद हम इसे ढक्कन लगा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। यदि आप फटाफट अंडा करी बनाना चाहते हैं तो आप प्याज और टमाटर का पेस्ट का यूज करें। तो यहाँ पर टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं हल्के, तो अब हम क्या करेंगे, सारे मसाले को मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो गरम मसाला लिया था, इस गरम मसाले को हम साइड कर देंगे और बाकी सारे मसाले को हम अपने प्याज और टमाटर के पेस्ट में हम डाल देंगे। और थोड़ी सी हम पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं, और इसे भी हमें साथ में प्याज और टमाटर के साथ भून लेना है ताकि हमारा जो मसाले का पेस्ट है वो भी अच्छे से भून जाए और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मसाले का ग्रेवी है ये बनकर बिल्कुल रेडी है।
तो अब हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो क्या होगा, मसाला जो है हमारे तली में चिपकने लगेगा। तो सारे मसालों से तेल जो है अच्छे से छोड़ चुका है, तो अब हम इसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डाल देना है। कि मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी का यूज कर रही हूँ, यदि आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी पानी आप डाल सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा करके हमको कम से कम 1 पल आने तक वेट करना है, ताकि जो ग्रेवी में अच्छे से एक बार उबाल आ जाए। तो यहाँ पर ग्रेवी हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने सारे अंडे को इस ग्रेवी में हमें डाल देना है। तो हमने यहाँ पर सारे अंडे को ग्रेवी में डाल दिया है, और हम ढक्कन लगा करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो अंडे में अच्छे से समा जाए, कि मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर आप इसकी ग्रेवी को देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गाढ़ी थिक है। तो ये जो हमारा अंडा करी है ये लगभग बनकर रेडी है। अब देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा अच्छा आया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट में हम 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और कुछ फ्रेश धनिया की पत्ती हमें इस ग्रेवी में, अंडा करी में मिला देनी है। और इसे हम अच्छे से एक बार चला लेंगे, और कम से कम 2 मिनट के लिए हमें ढक्कन से ढक देना है, ताकि गरम मसाले का फ्लेवर जो है वो पूरे एक करी में अच्छे से आ जाए। तो इसे हम ढक्कन लगा करके छोड़ देंगे। तो जब भी आप कोई भी नॉनवेज आइटम बनाए तो कोशिश करेंगे प्याज और टमाटर को हम अच्छे से काट कर ही डालें। इससे जो ग्रेवी जो है बहुत ही ज़्यादा आपकी थिक बनेगी और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हमारा अंडा करी जो है बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे अलग से बर्तन में निकाल करके सर्व कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी जो है कितनी ज़्यादा गाढ़ी है, कितनी ज़्यादा, मतलब देखने से ही लग रही है कि ये माउथ वाटरिंग डिश है। इसकी ग्रेवी देख करके आप देख सकते हैं। तो इतना ज़्यादा जो गाढ़ापन है वो प्याज और टमाटर के पेस्ट में नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर हमने अंडे को अलग से बर्तन में निकाल दिया था और इसे धनिया पत्ती से हमने गार्निश कर दिया है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो आप तक पहुँच जाए।